हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे कि बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी देख सकते हैं, गलती है बिहार बोर्ड के और भुगत रहे हैं छात्र छात्राएं, हंगामा करने जा रहे हैं दोस्तों बोर्ड ऑफिस के पटना में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पे कि खुशखबरी अब तो लगता है कि सबको फर्स्ट जन करेगा बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर का बड़ा फैसला। दोस्तों फिर से रिजल्ट चेक करो दोस्तों, हो सकता है कहीं बढ़ गया होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करोगे, मौका है हाथ से मत गवाओ। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि कैसे आप सभी जो फर्स्ट जन ला सकते हो। ठीक है, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि आप सभी के लिए, बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि इसी तरह का हम जैसे ही कोई न्यू वीडियो लेकर आओ बिहार बोर्ड से लिए के रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रिजल्ट से संबंधित आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे में, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक अपना रिजल्ट जो है चेक नहीं किए हैं, मतलब प्रिंट में आपको कितने विषय में कितने नंबर मिले हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है दोस्तों एप्लीकेशन का, उस लिंक पर एक बार क्लिक करोगे तो आपको प्ले स्टोर पर लेकर चला जाएगा और अपना आपका जो रिजल्ट है वो दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों उस लिंक पे तो इस तरह के फ्रंट पेज पर आओगे, देख सकते हैं ऑल बोर्ड रिजल्ट 10वीं 12वीं बोर्ड 2019 ऑफिशियल बिहार यूपी सीबीएसई, ये ऑफिशियल ऐप है। ठीक है दोस्तों, 10वीं 12वीं बिहार बोर्ड रिजल्ट देख सकते हैं, ये जो है इसको ओपन करोगे आप लोग तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड जो भी जिस भी बोर्ड का स्टूडेंट है, एक क्लिक करोगे इंटरमीडिएट रिजल्ट या 10th रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि गलती है बिहार बोर्ड के और भुगत रहे हैं छात्र छात्राएं, सबको लगता है फर्स्ट जन करने वाला है आनंद किशोर। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि बोर्ड कार्यालय का घेराव जो है करते इंटरमीडिएट परीक्षाओं में असफल छात्र छात्राएं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है दोस्तों, और इंटर के रिजल्ट के लगभग जो है 10 लाख परीक्षार्थियों ने सफलता हासिल कर ली है, और 3 लाख परीक्षार्थी जो असफल भी हैं किसी भी कारण से, लगता है उसको 1-2 नंबर से फेल हुआ है, तो उसके लिए बहुत से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों, उन सबको बताऊँगा कि कैसे आप लोग जो है 1-2 नंबर लेकर आ सकते हो। ठीक है, देखते हैं, फेल परीक्षार्थी जो है सोमवार की सुबह बोर्ड कार्यालय पहुँचे और हंगामा शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हुआ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कि बोर्ड ने परीक्षा तो ली लेकिन अंक चढ़ाना भूल गया। ठीक है, अंक चढ़ाना भूल गया, इससे कई परीक्षार्थी फेल हो गए, यानी जितना अंक था आपको उतना नहीं मिला है, इसलिए आप लोगों को स्क्रूटनी करने का मौका दिया है दोस्तों। 70 रुपये लगेंगे एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और जितने सब्जेक्ट में आपको कम नंबर मिले हैं उन सभी सब्जेक्ट का आप स्क्रूटनी कर सकते हो, 70 रुपया देकर आराम से आप सब्जी जो है फर्स्ट डिवीजन लेकर आ सकते हो। अगर लगता है आपको फर्स्ट डिवीजन मार्क है तो, वैसे तो नहीं करने वाला है, अगर आपको लगता है दोस्तों कि आपका 290 या 300 के आसपास आपका नंबर आने वाला है तो जरूर स्क्रूटनी कर दो। फॉर्म 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है स्क्रूटनी का फॉर्म निकाला जाएगा, देख सकते हैं कल से स्क्रूटनी का आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि अपने यहाँ से कैसे भर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कि एक परीक्षार्थी है जिसको कहना है, पूजा कुमारी का कहना है कि उसके इंटर के रिजल्ट में प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को शामिल नहीं किया गया। देख सकते हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल परीक्षा का अंक जो आपको शामिल नहीं किया गया, आपको किया गया है कि नहीं किया गया उसे जरूर मुझे कमेंट में बताना। इसका इतना रोल नंबर है दोस्तों, और उसको भौतिक एवं रसायन के प्रायोगिक परीक्षा के अंक नहीं जोड़े गए हैं। वही गया के जो रविदास का कहना है कि परीक्षा बेहतर जाने के बावजूद बोर्ड ने फेल कर दिया। जिसको लगता है दोस्तों कि मुझे कम नंबर मिला है, जरूर स्क्रूटनी भरो और अपना कॉपी मांगो। देख सकते हैं साथ ही सूचना के अधिकार के तहत कॉपी की भी मांग की है कुमार रविदास ने और पूजा कुमारी ने, दोनों ने ये कॉपी का मांग किया। अगर आपको लगता है दोस्तों कि मुझे कम नंबर मिले हैं तो ज़रूर आप कॉपी मंगा सकते हो बिहार बोर्ड ऑफिस आके पटना में। ठीक है, तो वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, पहले वहाँ पे रिजल्ट चेक कर लो। ठीक है, एक क्लिक में आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो, मैट्रिक का या फिर 10वीं 12वीं का, दोनों का। जैसे ही जारी होगा मैट्रिक का तो उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और अभी तो 12वीं का जारी हो चुका है इसलिए वहाँ पर आपको एक ही क्लिक में मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सुबह से दोपहर तक चलता रहा हंगामा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर सुबह से दोपहर तक हंगामा जारी रहा दोस्तों, और हर साल ये होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को फेल कर दिया जाता है बिहार बोर्ड में, तो इसी के लिए हंगामा होते रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों कि इंटरमीडिएट का आप अगर परीक्षा दिए हैं और रिजल्ट आया है, अगर किसी भी कारण से आपको 2 या 3 नंबर से या फिर 10 नंबर से फर्स्ट डिवीजन या फिर फेल हो रहे हो तो ज़रूर स्क्रूटनी का फॉर्म भर दो, सिर्फ 70 रुपये लगेंगे एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों फॉर्म भर देना, और स्क्रूटनी में यहाँ पे देख सकते हैं हर विषय के 70 लगेंगे। और यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा फैसला लेगा दोस्तों आप सभी के लिए और हर सब स्टूडेंट को, क्योंकि आगे चुनाव है, आप सभी को हर एक स्टूडेंट को जो है फर्स्ट डिवीजन जरूर करने वाला है, इसलिए ये इतना जल्दी रिजल्ट जारी किया। आप लोगों का जो कॉपी है वो अच्छे से चेक करेगा फिर से, अगर आप स्क्रूटनी करते हो तो लगता है आपकी आपको कि मुझे नंबर मिलने वाले हैं आगे। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग फॉर्म भर देना, कल से स्टार्ट हो जाएगा 70 रुपये,
और देख सकते हैं बिहार बोर्ड की सफलता जानेंगे दूसरे बोर्ड, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड है बिहार का, बिहार बोर्ड जो है देश का, और अप्रैल में जो यानी 30 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया है, इससे बड़ी बात जो इतिहास रच दिया है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आ गया होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला लेगा दोस्तों, आप सभी को बताऊँगा आज ही के दिन या कल के दिन में आने वाला है फैसला आप सभी को क्या लेगा बिहार बोर्ड। तो बने रहिए दोस्तों इस चैनल के साथ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड कीजिए और अपना रिजल्ट जो है चेक कीजिए, और आसानी से आप अपना वहाँ पे पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सभी सब्जेक्ट का नंबर वाइज आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आ गया होगा, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैट्रिक रिजल्ट के बारे में बता दूँ दोस्तों, मैट्रिक रिजल्ट जो है इसी सप्ताह आपको 5 से 6 अप्रैल के बीच में मिलने वाले हैं, 5 या 6 अप्रैल को ज़रूर मिलेगा दोस्तों, एक सप्ताह के अंदर अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।